हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका ट्राइडेंट का। और ट्राइडेंट का शेयर देखिए क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए बहुत टाइम से इसने जो है मल्टी बैगर रिटर्न देता आ रहा है। और बात करें ये शेयर जो है 6 से 7 रुपये से आज के डेट में 41 रुपीज़ को आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 41 को टच किया। और टच करने के बाद जो है नीचे की क्लोजिंग दी। तो अब ये होता है कि यहाँ से अब क्या करना चाहिए वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ हम लोग आउटकम निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दे चैनल के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है अभी देखा गया है 41 रुपीज़ 30 पैसे का हाई लगा है। और हाई के बाद जो है इसको टच करने के बाद ये जो है इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और बात करें नीचे के लेवल का तो ये 37 37 के आसपास के लेवल टच करके फिर ऊपर की क्लोजिंग दिया है। वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है, मतलब 1 रुपया ऊपर बंद होने में सफल रहा है। बात कर ले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लगा था 39 रुपीज़ पे। और 39 रुपीज़ पे अपर सर्किट लगने के बाद आज के डेट में 41 से, तो ये क्या साइन है? देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो देखिए गिरने वाला वॉल्यूम है। और ये देखिए एक वॉल्यूम यहाँ भी जनरेट हुआ था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिकोड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, अपर सर्किट लगा था। अपर सर्किट लगने के बाद क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे एक उछाल आया था 35 पे। और फिर जो है शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी 32 पे दी थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, देखिए यहाँ पे जो है सपोर्ट बन के आया था वो है 30 का लेवल। और 30 के लेवल का सपोर्ट लेके फिर से इसने जो है बाउंस बैक किया। और यहाँ वो देखिए अच्छे खासे अपमूव के साथ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 41 के, यानी आप देखिए 30, यदि इस लेवल को देखा जाए तो 30 रुपीज़ से एक आपका 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन में इसने मतलब वहाँ से जो है लगभग लगभग आपका 40% का रिटर्न यहाँ से दे चुका है ये शेयर। तो अब यही सेम सिग्नल जो है यहाँ पर जनरेट हो रहा है, सेम टाइप का कैंडल जो है यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जो वॉल्यूम यहाँ पे थी उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे क्या हमें मिलता है, देखिए इससे हमें ये मिलता है कि आपको यदि पोजीशन बनाना होगा तो हमें लगता है कि यदि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये शेयर नीचे आने की कोशिश करता है या इस लेवल को आपको 35 के लेवल को या 36 के लेवल को यहाँ पे 35 का जो ये हाई बनाया था 35 या आप 35.50 रुपए का यदि लो तोड़ता है तो देन ये शेयर बहुत चांसेस होंगे कि ये सपोर्ट लेगा 34 रुपीज के आसपास। तो 34 का आपका मेजर सपोर्ट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो मेजर सपोर्ट आपका बन के आता है वो दोस्तों आता है 29 रुपीज पे। तो आप 29 रुपीज का और दूसरा आपका सपोर्ट होता है 34 का, तो 34 29 और अभी का जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट है 37 रुपीज़ का। तो 37 रुपीज़ के नीचे नहीं होता है, यदि ऊपर की तरफ जाता है देन इसमें एक पोजीशन बनाया जा सकता है, हो सकता है इसके बाद फिर एक रनअप आ जाए। या ये हो सकता है कि इस लेवल पे आके कंसोलिडेशन थोड़ा सा कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था और फिर जो है शेयर जब अपमूव में आ जाए तो फिर यहाँ से देखिए फिर अच्छा खासा रैली जो है यहाँ 24 रुपये से 41 रुपये का दिखाया था। और हम लोगों ने जिस इस शेयर को जो है आप देखिए अगस्त में भी डिस्कस किया था और 20 रुपीज़ के इस लेवल पे हमने डिस्कस किया था। और जब इसने इस लेवल को मैंने कहा था तोड़ेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ, और यही जो लेवल है 22 रुपये का 22.5 रुपये का फिर सपोर्ट बन के निकल के आता है। और यहाँ से देखा जाए, बात किया जाए लास्ट ईयर से नवंबर से, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस हुआ करता था 7.5 रुपये का, फिर इसने जो जंप दिखाया था आपको देखिए दिसंबर में आपको 7 रुपये से आपको देखिए यहाँ पे 10 रुपये का, यानी लगभग लगभग 50% का यहाँ पे हुआ था। और फिर यहाँ से कंसोलिडेशन किया था और नीचे के लेवल भी आए थे टच किया था और फिर जो है 10 रुपये के ऊपर क्रॉस हुआ था। तो आपको जनवरी में 4 जनवरी को 16-17 रुपये के भाव देखने को मिले थे। और वहीं पर बात कर ले जो सपोर्ट है, देखिए ये वाला कैंडल तो सेम कैंडल हम यहाँ बता रहे हैं, जो जो ये ग्रीन कैंडल जिसपे क्लोजिंग दी है यही आपका सपोर्ट लेवल, आपका हर लेवल पे आप निकाल सकते हैं 30 रुपये, फिर आप देखिए 34 रुपये। और ये बात किया जाए ये ग्रीन कैंडल 37 रुपये का, तो 37
34 एंड 30 ये आपका मेजर सपोर्ट है। इसके आप अकॉर्डिंगली जो है कितना रिस्क ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आप पोजीशन बना सकते हैं या पोजीशन हल्का कर सकते हैं। और इस लेवल को यदि ग्रीन ऊपर की तरफ जाता है तब तो आप बने रहिए, लेकिन नीचे की तरफ आता है तो फिर इस लेवल को ध्यान में रखिए। और यहीं पर बात कर ले, फिर पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हाई लगने के बाद जो है इसका सपोर्ट मिला था, यानी 12 रुपये 12.5 रुपये का सपोर्ट जो है काफ़ी समय तक, देखिए अप्रैल तक यानी 5-6 महीने 5-4-5 महीने इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर 19 रुपये का एक हाई लगाया और क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए तो 18 रुपये का हाई पे क्लोज हुआ था। और वहाँ से फिर जो है कहाँ पे सपोर्ट लेता है दोस्तों, देखिए ये वाला जो कैंडल बना पहला कैंडल जहाँ से ब्रेक, जहाँ से ये गैप अप ओपनिंग किया था और सर्किट लगा था, तो ये कैंडल जो है 15 रुपये का आपका सपोर्ट होता है मेजर सपोर्ट। लेकिन ये शेयर जो है इस लेवल से यानी 15 रुपये 80 पैसे के लेवल से नीचे नहीं गया था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके जो है आप देखिए मई से लेकर आपको जुलाई तक, मई जून जुलाई 2.5 महीने यहाँ गुजारे, फिर इस लेवल को जब ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे तो फिर देखिए इसमें अपर सर्किट की लगा और फिर ये जो लेवल था 22 रुपये का, और 22 रुपये का जो देखिए 5 अगस्त से लेकर अब बात कर ले सितंबर तक, तो 1 महीने इसने कंसोलिडेशन किया इस लेवल पे। इस लेवल के निकलते ही फिर आपको यहाँ से देखिए लगभग लगभग 90% का रिटर्न आपको दे चुका है शेयर। तो यहाँ पे जो लोग इस लेवल पे जो हमने पहले वीडियो बनाए थे 21-22 पे, तो वहाँ से आपको लगता है तो 50% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका शेयर का प्राइस जो है 1 या 2 रुपये के आसपास आ जाएगा। यदि आपके पास शेयर है तो यदि 1000 शेयर रखा है तो 500 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो है आप इस शेयर के बारे में जानते हैं कि ये शेयर जो है अब क्या है कंज्यूमर प्रोडक्ट में उतर रहा है, आपका बात कर रहा है ट्राइसर्स नाम का प्रोडक्ट ला रहा है और मेजर बहुत सारे एक्सपेंशन कर रहा है। और टॉवेल्स में इसका तो आपको पता ही है अमेरिका में एक्सपोर्ट मार्केट में 60% से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल का अभी जो अपॉर्चुनिटी है चाइना वाली जो है, चाइना अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और दूसरी बात है उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना होगा और उससे जो है इसका फ़ायदा जो है ट्राइडेंट जैसे शेयर्स को मिल रहा है और मिलेगा भी। और जो ये आगे जो है एक्सटेंशन कर रहा है उसको आप ध्यान देखिए, उसको पढ़िए, देखिए, रिसर्च कीजिए कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बेसिस पर पोजीशन बनाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।